हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो आप लोगों के लिए आज मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट अब उनका कम हो गया है। उसका रीज़न है कि रीट की डेट जो है वो आगे जाएगी या नहीं जाएगी। आप लोगों को मैं कितनी बार आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि देखिए बच्चों, रीट का एग्ज़ाम जो है वो आपका होगा। आपको भी पता है कि 16 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म डाले हैं। कंपटीशन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो चुका है और इस कंपटीशन में आप जब भी निकल पाएंगे, जब भी आपकी जॉब लग सकती है, जब आप रेगुलर पढ़ाई करते हो। यदि आप इन न्यूज़ की वजह से अपनी पढ़ाई जो है वो बीच में स्टॉप कर देते हो या फिर किसी वजह से ऐसा सोचते हो नहीं एग्ज़ाम की डेट जाएगी नहीं जाएगी, पहला ये क्लियर हो जाए उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, तो देखिए जो बच्चे ऐसा सोचते हैं तो उनका टाइम जो है वो सोचने में ही निकल जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे पता है मेरे चैनल से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मुझसे जितना हो सका मैंने उस तरीके से उन लोगों को जो भी मैटर था वो प्रोवाइड कराया और बिल्कुल ऑथेंटिक मैटर है ये। जो भी आपके मैंने जब आपका सिलेबस नहीं आया था उससे पहले से ही मैंने RBSE की जो बुक्स हैं वो स्टार्ट करवा दी थी। मुझे पता होता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कहाँ से आपका बन रहा है, कहाँ से आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही जब आपके वीडियोस जो है वो RBSE की बुक से ही डालना स्टार्ट कर दिए थे और मैंने बच्चों को पहले ही बता दिया था कि आप लोग RBSE को ही फॉलो करिए। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, RBSE को फॉलो करिए। RBSE के एग्ज़ाम जो हैं वो आपके इन्हीं बुक्स में से पूछे जाते हैं। इधर उधर भटकने से या फिर बड़ी बड़ी कोचिंग में जाकर और वहाँ पर पैसे खर्च करने से यदि आपको ऐसा लगता है कि आप एग्ज़ाम को फाइट तभी कर पाएंगे जब बड़ी कोचिंग में आप एडमिशन लेंगे, तो देखिए ये सिर्फ पढ़ने वालों के ऊपर होता है। पढ़ने वाला बच्चा जो है वो सेल्फ स्टडी करके या उन RBSE की जो बुक्स हैं उनको फॉलो करके भी फाइट करता है और आगे निकल जाता है। तो ये सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। आप पढ़ने वाले हो, आप खुद को मोटिवेट रखिए। इधर उधर की बातों में बिल्कुल ना जाइए। इधर उधर की बातें यदि आप करेंगे तो इससे आपका ही नुकसान होगा, टाइम आपका ही वेस्ट होगा। टाइम आपका बहुत कीमती है। आज आपको जो टाइम मिला है और अब तक आपको इतना ज़्यादा टाइम रीड के लिए मिल चुका है, ये टाइम जो है वो चला गया, वो तो चला गया, ठीक है, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आपके पास जो भी टाइम मिल रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों की ऐसी सिचुएशन होती है उनको टाइम नहीं मिल पाता है, थोड़े ही टाइम में वो ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि जो टाइम को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है वही सक्सेस करता है। तो आप लोगों को टाइम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हुए, रीट के एग्ज़ाम की डेट को ध्यान में ना रखते हुए एग्ज़ाम को फाइट करने के बारे में ही सोचना है। तो मेरा बस यही कहना है आप लोगों से कि आप एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर है उन पर फोकस करिए, ना कि एग्ज़ाम डेट पर है। एग्ज़ाम जो है वो आपका 25 को होगा। यदि नहीं भी होता है तो आपका 10-15 दिन, ठीक है, थोड़ा सा आपका आगे जाएगा। उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, आपकी प्रैक्टिस ही और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आपको पता है आपके कंपटीशन में कितने सारे बच्चे जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये एक छोटा सा अब लेवल नहीं रहा है कि आप थोड़ी सी पढ़ाई करके और फिर आप पास हो जाओगे। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहां से आप अपनी तैयारी जो है वो रेगुलर करिए, इधर उधर मत भटकिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसी को आप बार बार दोहराइए। ऐसा नहीं है कि आज आपने बुक्स जो है जिनको भी पढ़ रहे हैं आपने मन नहीं लगा तो आपने कुछ और नई बुक देख ली तो आपने अब आप दूसरी बुक से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, अब तक पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं को रिवाइज करिए। और जो बच्चे नए जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है, बहुत लेट उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो उनको मैंने पहले से ही बताया हुआ है कि आपकी जो कंप्लीट हिस्ट्री है, कंप्लीट
पॉलिटी है और ज्योग्राफी जो आपकी 10th की बिल्कुल अंतिम स्तर पर चल रही है ये भी कंप्लीट है, यानी 60 मार्क्स का आपको SST कंप्लीट इस चैनल पर मिल रहा है, बिल्कुल आपके एग्जाम के ओरिएंटेड। तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे बुक्स को ही केवल फॉलो करते हैं बुक से ही पढ़िए, जो वीडियोस को देखकर पढ़ते हैं वीडियोस को देख के पढ़िए, और PDF के लिए देखिए कई बच्चे बार बार बोलते हैं कि मैम जो है वो आंसर नहीं देती है। मैं बिल्कुल नॉर्मल आप लोगों की तरह ही हूँ, PDF के बारे में भी मैंने बहुत सोचा है, लेकिन देखिए मैंने वीडियोस जो है वो पहले स्टार्टिंग में ही ऐसा सोच लिया था कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, और जो कि मैं कर भी रही थी और मैंने आप लोगों को कंप्लीट भी करा दिया। लेकिन कई बच्चे जो है वो कहते हैं कि मैम PDF ही चाहिए। मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान हूँ, आप लोगों की तरह ही हूँ, और मुझे टेक्निकल टीम का एक बंदा जो है वो हायर करना पड़ेगा। तो मेरा बस आप लोगों को यही कहना है कि प्लीज और प्लीज पढ़ाई पर फोकस करिए। होली आ रही है, दिवाली आ रही है, देखिए पहले दिवाली भी आई थी तब भी मैंने आपको यही बोला था, दिवाली आती है, हर साल आती है और सभी की आती है, ठीक है। तो आप लोगों की दिवाली जो है वो जब आएगी, जब आप सक्सेस हो जाओगे, जब आपकी जेब में क्या होगा, पैसा होगा, और ये पैसा तभी हो सकता है जब आप एग्जाम को फाइट करके और आप अपनी नौकरी जो है वो लगा लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक्चुअल बात है, बिल्कुल वास्तविकता है ये। जब तक इंसान की जेब में पैसा नहीं होता है उसका होली दिवाली जो है वो एक जैसा रहता है, कोई भी अंतर नहीं आता है, ये वास्तविकता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम जो है वो कभी भी दे लेंगे हम, नौकरी हम कभी भी पा लेंगे, लेकिन होली जो है वो इस साल की वो तो हम मना लें, बिल्कुल मनाइए, शौक से मनाइए, लेकिन होली वो अच्छी होती है जो खुद की होती है, जिसमें खुद के पैसे से आप होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। तो ये सब चीजें आप कैसे पा पाओगे, इसके लिए आपको स्ट्रगल करना होगा, आपको स्ट्रगल करना जरूरी है। यदि आप स्ट्रगल नहीं करते हैं तो आप खुद का भविष्य जो है वो नहीं संवार पाएंगे। मुझे इस चीज का बिल्कुल पता है कि जब खुद के पास नौकरी नहीं होती है, धन नहीं होता है, तो लोगों का जो व्यवहार है वो भी बदल जाता है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, पढ़ाई पर फोकस करिए, जिससे कि आपको लोग देखें, आप एक उदाहरण बने। तो इसी तरीके से पढ़ाई जो है उसे नहीं छोड़ना है, कोई भी त्योहार आता है उसको भी मनाना है, लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। रेगुलर पढ़ाई करिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए, फुल मोटिवेशन के साथ करिए, और जितने भी नकारात्मक चीजें हैं उनको बिल्कुल साइड में हटा दीजिए, ऐसे लोगों से ही संपर्क रखना भी बंद कर दीजिए जो कि नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, यदि आप सक्सेस तक पहुंचना चाहते हैं। तो इसी तरीके से फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।